हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट को। हमने अपने प्रीवियस सेशन के वीडियोस में इस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखा कि एक जीन एक्सप्रेस कैसे करती है, पॉलीपेप्टाइड बनाकर। अगर ये पॉलीपेप्टाइड बना रही है इसका मतलब किसी ट्रेट के लिए, तो इसका मतलब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। अब इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जाए, यानी कि इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, ये ऑन एंड ऑफ कैसे होगा, उसका मतलब क्या है, ये सब हमने अपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस में कर लिया है, यानी कि यूकैरियोटिक के केस में भी एंड प्रोकैरियोटिक के केस में भी। तो ये सारे हमने अपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस में किए हैं। अगर आप चाहें तो प्रीवियस सेशन की वीडियोस आप देख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के नाम से वो वीडियोस हैं, और इस वीडियो के नीचे भी उसके वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। नाउ जो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है प्रोकैरियोट में ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है उसका एक एग्जांपल, यानी कि लैक ऑपेरॉन। तो सबसे पहले आप ये देखें कि लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, इनसे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, फ्रांस्कोइस जैकोब, आप सिर्फ जैकोब याद रखेंगे वो भी चल जाएगा, जैकोब याद रखेंगे एंड मोनोड याद रखना है आपको। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है। नाउ अब हम चलते हैं इस लैक ऑपेरॉन के पीछे कि आखिर ये लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, लैक ऑपेरॉन, सबसे पहली चीज, लैक किसके लिए है, लैक्टोज के लिए। तो लैक्टोज के लिए हमने इसका शॉर्ट टर्म लिया है लैक। ठीक है, लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट पहली चीज। जब भी आप लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल दिया जाएगा, वो रहेगा एक बैक्टीरिया, यानी कि किंगडम मोनरा से। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक ही एग्जांपल क्यों लिया जाता है, क्योंकि लैक ऑपेरॉन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही हैं। अब वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट है इसका डिस्कशन हम करेंगे, यानी कि इसको लेने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ई कोलाई। एनसीईआरटी में भी ई कोलाई लेकर आपको समझाया गया है। देखिए, जैसे ये ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, अब ई कोलाई मेनली यूटिलाइजेस ग्लूकोज। ये क्या यूज करता है, मेनली इट यूटिलाइजेस ग्लूकोज। किस लिए यूटिलाइजेस ग्लूकोज, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे भी तो एनर्जी चाहिए अपने जीवन जीने के लिए, तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इट मेनली यूटिलाइजेस ग्लूकोज। ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन अब बात कहानी में यहां ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर इफ ग्लूकोज हो ही ना तब, यानी कि इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट इन मीडिया, मीडिया में ग्लूकोज हो ही ना तो क्या करेगा, और ग्लूकोज नहीं हो लेकिन लैक्टोज हो, यानी कि अब आपने इस ई कोलाई के फूड के साथ, इसके मीडिया के साथ आपने खिलवाड़ क्या किया, आपने ग्लूकोज नहीं दिया, आपने कहा कि ग्लूकोज नहीं देंगे आपको, अब लैक्टोज लेना पड़ेगा, है ना। नाउ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया, तो अब आप अपना एनर्जी सोर्स इसी लैक्टोज से ही लेना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो बेचारा ये ई कोलाई क्या करेगा, क्योंकि ये जो लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है, इट्स अ डाइसेक्राइड। यानी कि लैक्टोज किससे मिलकर बना है, लैक्टोज बना हुआ है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये जो लैक्टोज है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अगर मीडिया में सिर्फ लैक्टोज हो तो ये ई कोलाई क्या करेगा, इस लैक्टोज को ब्रेक करवा देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। वापस से ग्लूकोज अवेलेबल हो गया जो इसको बहुत पसंद है,
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कैन यूटिलाइज द ग्लूकोज. लेकिन यहां पर मुद्दे वाली बात यह है कि इस डाइसेक्राइड को यानी कि लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ेगा कौन, है ना? इसके लिए इसको 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. 3 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. 3 एंजाइम की जरूरत पड़ेगी कब? इस ग्लूकोज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक करने के लिए 3 एंजाइम्स की, यहाँ 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी. कौन कौन से? एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज. दूसरी एंजाइम की जरूरत है परमीएज. परमीएज. एंड थर्ड एंजाइम इज ट्रांस एसिटाइलेज. ट्रांस एसिटाइलेज. अब अगर आप ये तीनों एंजाइम बनाकर दे दे, यानी कि अगर ये ई कोलाई ये तीनों एंजाइम बनाएगा, तब इसका लैक्टोज जो मीडिया में लैक्टोज है वो ब्रेक कर जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. और जैसे ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक कर जाएगा, नाउ ई कोलाई कैन यूटिलाइज ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब ये ग्लूकोज को यूज कर सकता है बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि यहां पर कहानी में ये ट्विस्ट है कि दो केसेस हमारे पास साफ साफ तौर पर दिख रहे हैं. केस वन एंड केस टू. केस वन क्या है? केस वन ये है कि व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, कहां पर? इन मीडिया. ठीक है, और दूसरा केस है कि व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया. दो केसेस हैं, हम दोनों केस को लेकर चलेंगे. अब बात यह है कि अगर मीडिया में लैक्टोज है ही नहीं, तो इन तीनों एंजाइम्स की यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज को बनने की भी जरूरत नहीं है, है ना? लेकिन क्योंकि जब लैक्टोज है ही नहीं मीडिया में, तो इन ये तीनों बनकर क्या करेंगे? इसका मतलब उस वक्त उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो जीन का रेगुलेशन है, जो इन तीनों एंजाइम्स को बना रहे हैं, वो ऑफ होना चाहिए. यानी कि केस वन जब लैक्टोज है ही नहीं मीडिया में, तो इसका ऑपेरॉन क्या होना चाहिए? ऑफ मोड में होना चाहिए, है ना? नाउ केस टू, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया. जब लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडिया में, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज बनने चाहिए. इसका मतलब उस वक्त इसका जीन का रेगुलेशन एक्सप्रेशन जो है जीन का, वो ऑन मोड में होना चाहिए, है ना? अब ये तो होना चाहिए, बट ये होगा कैसे, ये हम देखेंगे दोनों केसेस को इंडिविजुअली लेकर, यानी कि केस वन एंड केस टू सेपरेटली. अब ये रहा आपके सामने केस वन. केस वन इज व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन मीडिया. ठीक है, यानी कि जब मीडिया में लैक्टोज नहीं है, तब क्या हो रहा है वो देखिए. अब यहां पर लैक्टोज है ही नहीं, तो तीनों एंजाइम्स भी नहीं बनने चाहिए, ऑपेरॉन बंद होना चाहिए, यानी कि ऑफ होना चाहिए. अब आप देखें, ये है एक इसका ऑपेरॉन. ठीक है, ये है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड है, और ये रहा यहां पर इस तरह का, क्योंकि आपने रेगुलेटर प्रोटीन पढ़ा था, उसका खुद का अपना प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर साइट है ना, और यहां पर है इसके स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है, इसका अपना खुद का प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर साइट, ये रहा इसका प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर साइट. और ई कोलाई के केस में और लैक ऑपेरॉन के केस में तीन आपको मिलेंगे, तीन जीन. कौन कौन से? ये है लैक, क्योंकि लैक्टोज के लिए हम लैक वर्ड यूज करते हैं. लैक ए, दिस इज लैक्टोज
फॉर लैक्टोज वी आर यूजिंग लैक लैक वाई और ये है लैक जेड. अब आप कहेंगे ए वाई जेड क्या है, ये वही है. ये देखिए ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा था यही जेड है, लैक जेड. ये है लैक वाई एंड ये है लैक ए. तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना. ये क्या है, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. ठीक. नाउ अब यहां पर अगर आप देखें, यानी कि ये हो गया जेड वाई एंड ए जीन. ठीक है. नाउ ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमने बहुत पहले बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है ऑलरेडी. ये रहा प्रोमोटर साइट और प्रोमोटर के पास यहाँ पर है इस जगह पर ऑपरेटर भी. ठीक है. अब एक्चुअली होगा क्या, होगा क्या यहाँ पर कि ये जो आपके पास रेगुलेटर है यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लैक आई. ये इंड्यूसर का काम करेगा. ठीक है. जो कि रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा. चूंकि यहाँ पर ये इनहिबिट करेगा इसलिए हम इसे इनहिबिटर कहेंगे. आई क्या है यहाँ पर, इनहिबिटर. आई इज फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर. इनहिबिट कर रहा है ना, इसलिए रोक रहा है. अब यहां से क्या बनेंगे, एमआरएनए बनेगा, है ना. ये बनेगा एमआरएनए. अब ये जो एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से आपके पास बनेगा प्रोटीन. ठीक. इस प्रोटीन को आपने क्या कहा था, रेगुलेटर प्रोटीन. हमने पिछले क्लास में देखा था रेगुलेटर प्रोटीन, है ना. रेगुलेटर प्रोटीन का क्या काम है, क्या रोल है, हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था इसे. यहाँ पर हमने देखा था रेगुलेटर का, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमने लिए थे अपने पिछले क्लास में. रेगुलेटर को देखा था, यहाँ हमने देखा था रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर प्रोटीन. यहाँ देखिए, है ना, बहुत ही डिटेल में हमने किया था. नाउ रेगुलेटर प्रोटीन बन गया. अब एक्चुअली इस रेगुलेटर प्रोटीन जब बनेगा तो इसकी एफिनिटी, है ना, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, इसकी अट्रैक्शन होती है ऑपरेटर साइट से और ये जाकर इस ऑपरेटर साइट से जाकर बाइंड कर देगा. ठीक है. अब यहां पर क्या होगा कि जब ये ऑपरेटर साइट से बाइंड कर दिया, ये कौन सा साइट है, ऑपरेटर साइट, ऑपरेटर साइट. तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रोमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज आते हैं, है ना. अब आरएनए पॉलीमरेज आ तो गया, यानी कि अगर हम देखें यहां आरएनए पॉलीमरेज है. अब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर पर लगा हुआ तो है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज. लेकिन आरएनए पॉलीमरेज इधर रन नहीं कर पाएगा और जब तक आरएनए पॉलीमरेज रन नहीं कर पाएगा इसके रिस्पेक्टिव एमआरएनए भी नहीं बन पाएंगे, है ना. नाउ क्यों नहीं रन कर पाएगा, क्योंकि हिंड्रेस यहाँ ऑपरेटर साइट पर है. ऑपरेटर साइट पर आकर ये रेगुलेटर प्रोटीन जाकर क्या करेगा, वहां पर अटैच हो जाएगा, जिसके वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आगे फर्दर नहीं मूव कर पाएगा, जिसकी वजह से इनके एमआरएनए नहीं बन पाएंगे और एमआरएनए नहीं बन पाएंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज भी नहीं बन पाएगा. यानी कि ये तीनों एंजाइम्स जो आपने पढ़ा था, है ना, ये भी नहीं बन पाएंगे और नहीं बनने भी चाहिए. क्यों नहीं बनने चाहिए, इसलिए कि मीडिया में तो लैक्टोज है ही नहीं. जब मीडिया में लैक्टोज है ही नहीं तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, तो तोड़ने वाले एंजाइम भी नहीं बनने चाहिए. और इस तरीके से यहां आप देखें तो ये सिस्टम क्या है, ऑफ. यानी कि सिस्टम किस मोड में है, ऑफ मोड में, है ना. सो व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन मीडिया देन रेगुलेटर प्रोटीन बाइंड्स एट ऑपरेटर साइट एंड इट प्रिवेंट, रोकता है आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड एट प्रोमोटर साइट. सो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा एंड सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज के लिए जो तीन एंजाइम्स की जरूरत थी वो भी नहीं होंगे और पूरा सिस्टम ऑफ मोड में चला जाएगा. यानी कि पूरा सिस्टम ऑफ मोड में रहेगा, रहना भी चाहिए. वेल लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन मीडिया. अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की, यानी कि केस टू की. केस टू, केस टू में आपने क्या कहा था, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया. वेल लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया. भाई लैक्टोज प्रेजेंट है तो तीनों एंजाइम्स क्या बनने चाहिए, ये जो तीनों एंजाइम्स हैं ये बनने चाहिए, तीनों एंजाइम्स भी बनने चाहिए, है ना. तीनों एंजाइम्स बनने के लिए सिस्टम पूरा क्या चाहिए, ऑन मोड में चाहिए, है ना. यानी कि ऑपरेटर कैसा चाहिए, ये ऑपरेन ऑन मोड में चाहिए. ठीक है. अब ये ऑन मोड में जाएगा कैसे, ये देखिए, ये सपोज कीजिए आपके पास ये है डीएनए. ठीक है, ये है डीएनए. नाउ अब ये डीएनए पर यहां पर आपके पास है वही
लैक आई, इसका अपना प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर साइट, और यहां पर आपने कहा लैक आई, ठीक है। इस जगह पर इसके तीन स्ट्रक्चरल जीन्स। एक चीज और, अगर कोई पूछे एग्जाम में आए कि लैक ऑपरॉन हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन, आप कहेंगे तीन, जेड वाई एंड ए, ठीक है। यहां पर इसका अपना खुद का प्रोमोटर साइट, ये है टर्मिनेटर साइट, और ये है जेड वाई ए, यानी कि लैक जेड, लैक ए, लैक वाई एंड लैक जेड, है ना। सबके मीनिंग भी आपको क्लियर है। नाउ अब ये जो जेड है, ये वाई है एंड ये ए है, ये क्या करेंगे एक्चुअली, लैक आई पर आते हैं। लैक आई क्या करेगा, यहां से तो एमआरएनए बनेगा ही, है ना, ये एमआरएनए बनाएगा ही, और एमआरएनए से इसके प्रोटीन्स बनेंगे ही, ठीक। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, इसको आपने क्या कहा था, रेगुलेटर प्रोटीन कहा था, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो रेगुलेट कर रहा है स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को, सो रेगुलेटर प्रोटीन। यहां तक बात बिल्कुल सेम है जैसे कि यहां पर था, है ना। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि पिछले केस में, यहां पर अगर आप देखें तो लैक्टोज नहीं है मीडिया में, लेकिन इस केस में नाउ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया। मीडिया में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ये जो लैक्टोज है, ठीक है, उसका कुछ फॉर्म है, लैक्टोज का ही एक फॉर्म है एलोलैक्टोज। ये आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो कब आपको एलोलैक्टोज एंड कब आपको लैक्टोज चूज करना है वो सुनिए। एक्चुअली एलो लैक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज है, तो एटलीस्ट दो या तीन मॉलिक्यूल, बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिमेनिंग लैक्टोज के फॉर्म में ही रहेंगे। तो एक्चुअली ये जो एलोलैक्टोज है, ये क्या करता है, रेगुलेटर प्रोटीन की इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बेस्ट फ्रेंड, और ये एलोलैक्टोज के साथ जाकर बाइंड कर जाता है। अब ये जो रेगुलेटर प्रोटीन है, अब ये फ्री है ही नहीं, है ना, फ्री है ही नहीं कि ये जाकर यहाँ पर क्या करेगा, कि ये जाकर यहाँ पर ऑपरेटर साइट में बाइंड करेगा। अब ये बाइंड कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अब ये फ्री नहीं है। तो अब ये फ्री नहीं है तो अब ये जाकर क्या करेगा, वहां जाकर ऑपरेटर साइट पर बाइंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर प्रोमोटर साइट पर जो आरएनए पॉलीमरेज लगा है उसके लिए कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, अब वो यहाँ रन कर सकता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर आ गया और ये क्या करेगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देगा, यानी कि ए से रिलेटेड एमआरएनए बनेगा, ठीक है, वाई का एमआरएनए बनेगा, जेड का एमआरएनए बनेगा, ये सब क्या है, एमआरएनए 5-3-5-3-, ये क्या है, ये एमआरएनएज हैं, है ना, एमआरएनए बनेंगे और इनसे रिलेटेड अब ये बना देगा परमीएज, ये बना देगा ट्रांस एसिटाइलेज एंड ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बनने भी चाहिए, क्यों बनने चाहिए, क्योंकि अब मीडिया में क्या है, अब मीडिया में लैक्टोज है, मीडिया में लैक्टोज है तो ये तीनों एंजाइम्स बनने चाहिए, यानी कि ये ऑपरॉन ऑन मोड में होना चाहिए, है ना। और ये ऑन मोड में कैसे जा रहा है, क्योंकि अब रेगुलेटर प्रोटीन ऑपरेटर साइट में नहीं जाकर बाइंड कर रहा है, बल्कि अब रेगुलेटर प्रोटीन हैव वेरी हाई एफिनिटी विद द एलोलैक्टोज एंड इट बाइंड्स विद एलोलैक्टोज। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि अगर एग्जाम में अगर एलोलैक्टोज ऑप्शन में हो तो आप एलोलैक्टोज पर टिक करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में एलोलैक्टोज है ही नहीं और ये पूछ रहा है कि रेगुलेटर प्रोटीन किसके साथ बाइंड करता है जिसकी वजह से ये ऑपरेटर ऑन मोड में होता है, तो वहां पर ऑप्शन में अगर लैक्टोज है तो आप लैक्टोज पर टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एलोलैक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज दिया हुआ है, एलोलैक्टोज ऑप्शन में है ही नहीं, तब आप लैक्टोज पर टिक करेंगे। लेकिन अगर उसने एलोलैक्टोज दे रखा है तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट एलोलैक्टोज पर टिक करेंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जब मीडिया में लैक्टोज है केस वन एंड केस टू, यानी कि जब लैक्टोज
है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन मीडिया इट बाइंड्स विद रिप्रेशर ड्यू टू विच रिप्रेशर इज नॉट एबल टू बाइंड टू ऑपरेटर साइट। यहाँ पर हमने देखा सब कुछ और ये क्या है ऑन मोड। सो लैक्टोज इज इंड्यूसर यानी कि ऑपरेन को खोलता यानी कि ओपन करके रख रहा है ना। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि लैक ऑपेरॉन किस तरह का कंट्रोल है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल पढ़ा था, अब एक आप बताइए लैक ऑपेरॉन को आप किस में डालेंगे, नेगेटिव कंट्रोल में या पॉजिटिव कंट्रोल में? लैक ऑपेरॉन को यानी कि इसका एग्जाम्पल है लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लैक ऑपेरॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लैक ऑपेरॉन इसलिए नेगेटिव कंट्रोल है बिकॉज इट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। क्या है? इट इज लैक ऑपेरॉन कैसा है? इट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब ये हुआ कि इट नीड्स टू बी टर्न्ड ऑन, इन जनरल इट इज क्लोज्ड, इन जनरल इट इज इन ऑफ मोड, इट नीड्स टू बी इंड्यूस करना पड़ता है इसको ऑन करने के लिए, है ना। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नोट करके रख लीजिए, जो लैक्टोज है, इसे चेंज करते हैं आपके लिए, ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज लैक्टोज बिहेव्स एज एन इंड्यूसर। ये इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप कहेंगे मैम कि कोई पॉजिटिव कंट्रोल का कोई एग्जांपल है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, अब आते हैं जरा एनसीईआरटी पर। सॉरी, एनसीईआरटी पर अगर हम देखें, द एलुसिडेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिसिस्ट, नाम दिया हुआ है, दे वेयर द फर्स्ट टू एलुसिडेट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ऑपेरॉन। हियर लैक रिफर्स टू लैक्टोज, जैसा बताया गया था आपको, क्योंकि इसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन चाहिए, इसलिए हमेशा आप प्रोकैरियोट्स देखेंगे। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाई अ कॉमन प्रोमोटर एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस में बहुत ही क्लियरली से एग्जांपल के इसको लेकर डिटेल में समझाया हुआ है। एंड रेगुलेटरी जीन, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। इसीलिए ओपेरॉन सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, ओपेरॉन कभी भी यूकैरियोट में नहीं होता। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल्स, लैक ओपेरॉन इज देयर, ट्रिप इज फॉर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन एंड वैल ओपेरॉन एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें आपको लैक बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। इन लैक ओपेरॉन, द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, द आई जीन, बताया था अभी। हियर द टर्म आई इज डज नॉट रेफर टू द इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। ठीक है, क्या है ये इनहिबिटर? देखिए अपने स्लाइड पर कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, आई देखिए, यहाँ इनहिबिटर लिखा है ना इस जगह पर आई के लिए, तो आई इंड्यूसर नहीं बल्कि आई क्या है, इनहिबिटर, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है। एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन, कौन कौन से, जेड वाई एंड ई, यानी कि लैक ऑपेरॉन में कितने स्ट्रक्चरल जीन्स हैं? तीन है। द लैक द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लैक ऑपेरॉन, the Z gene codes for beta galactosidase which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into its monomeric units galactose and glucose, isi mein break karta hai lactose. The Y gene codes for permease which increases the permeability of the cell to beta galactosidase. The A gene encodes the transacetylase, aur yahi information yahan par humne aapko de rakhi hai, yahan par hai na, बीटा गैलेक्टोसाइडेस फ्रॉम लैक, ये लैक है, लैक जेड जीन, परमीएज लैक वाई एंड ट्रांसएसिटाइलेज लैक ए। हेंस ऑल द थ्री जीन्स प्रोडक्ट्स इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों बनेंगे तभी तो जो लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज एंड
गैलेक्टोज में एंड देन बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज द ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इन मोस्ट अदर ओपेरॉन एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे. यहाँ देखिए, यहाँ वही ओपेरॉन को समझाया गया है कि किस तरह से ये प्रोमोटर है, आई है, रिप्रेशर mRNA बना रहा है, ये रिप्रेशर प्रोटीन बना रहा है और ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर यहाँ प्रोमोटर ऑपरेटर साइट से बाइंड कर रहा है. ऑपरेटर साइट से बाइंड करेगा तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाएगा और RNA पॉलीमरेज के लिए रन भी नहीं कर पाएगा और इसके एक्सप्रेशन में हिंड्रेंस पैदा होगी, ये ऑफ मोड में जाएगा. यानी कि ये हुआ कि जब लैक, इस केस में क्या है, लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन मीडिया, इट इज इन ऑफ मोड. ऑपरॉन कैसा है, ऑफ मोड में होना भी चाहिए. अब हम बात करते हैं ये केस टू. केस टू में क्या है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया. अब लैक्टोज मीडिया में है तो आया यहाँ पर आपके पास ये इंड्यूसर की तरह काम करेगा. कौन, लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, वही आकर यहाँ बाइंड कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, अब ये जाकर ऑपरेटर के साइड बाइंड नहीं कर पाएगा. अब ऑपरेटर फ्री, अब यहाँ पर ऑपरेटर फ्री, यहाँ पर है RNA पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर लगेंगे और ये ZYA अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, यानी कि Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज एंड A से ट्रांसएसिटाइलेज ट्रांसलेशन हो पाएगी, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. यानी कि जब लैक्टोज है तो ये ऑन होने भी चाहिए क्योंकि तभी इन तीनों एंजाइम्स की जरूरत है. ठीक है, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपरेन. ये आपने देखा, जब है तो ऑन, जब नहीं है लैक्टोज तो ऑफ, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर. ठीक है, इसीलिए आपको वहां बताया भी गया था, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज. Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cells. The lactose then induces the operon in the following manner. The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the IJ. The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase. रोकता है RNA polymerase को. कब, जब मीडिया में लैक्टोज नहीं है तब. फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज. यहाँ ये वर्ड आपको मुझे समझाना था, एलोलैक्टोज वर्ड आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में. अगर वो एलोलैक्टोज देता है ये मोस्ट प्रिफरेबल हो गया. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें वही कहानी है जो पूरी की पूरी यहाँ पर दिखाई गई. सो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाई रिप्रेशर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, यानी कि नेगेटिव कंट्रोल. लैक ऑपरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल. है ना, यहाँ पर आपको नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ आपको वही चीजें समझनी है जो इस एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपके सिलेबस में है. तो ये था आपका पूरा का पूरा लैक ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट. होप सो चीजें समझ में आई होंगी. अगर कहीं किसी पॉइंट पर जाकर आपको कोई दिक्कत होती है, फील फ्री टू आस्क. है ना, ये चैनल आपका है, ये चैनल मेरे लिए, क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत पैशन है, मैं बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि मैं उन बच्चों तक पहुँच पाऊँ जो जनरली, जिनको एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं मिलता, जो अच्छे जगह पर जाकर बाहर निकल कर पढ़ नहीं सकते, जो गाँव के इलाके में हैं, जो कहीं ऐसे दूर दराज में हैं, या ऐसे भी बच्चे जो टाइम नहीं निकाल पाते बट पढ़ना चाहते हैं. तो उनके लिए मेरा टाइम है कि मैं उनके लिए टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाती हूँ ताकि उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो. क्योंकि आपके पास कुछ हो नहीं हो, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू. तो ये मेरा बस एक कोशिश है आपके लिए कि मैं आप तक पहुँच इस एनसीईआरटी के थ्रू आपको पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ, है ना, और ये मेरा पैशन भी है. होप सो अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं, आप प्लीज़ अगर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे तरफ से लैक हो रही हो तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं, उसे हम बिल्कुल उसे लागू करने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट आपके पास दो क्लासेस आएंगी,
एक आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर और नेक्स्ट आएगी, इसे मैं एक वीडियो में कवर करूंगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और एक आएगा आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद ये पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो दो वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर के, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP के नाम से और दूसरा आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।